नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। आत्महत्या के मसले से शुरू हुए सुशांत सिंह के केस में उस वक्त हत्या का एंगल जुड़ गया जब उनके पिता केके सिंह ने महीने भर बाद एकाएक पटना स्थित थाने में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर कई संगीन आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कर साथ ही दावा किया कि सुशांत की मानसिक हालत के बारे में उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी रिया की ओर से नहीं मिली है। लेकिन इस बीच सामने आया सुशांत से जुड़ा एक चैट तो कुछ और ही गवाही दे रहा है, जिसमें बहन प्रियंका मेडिसिन को लेकर सुशांत की मदद करती दिख रही है। ये चैट सुशांत की मौत से महज 6 दिन पहले यानी 8 जून का बताया जा रहा है। इस बातचीत में प्रियंका ने 3 दवाइयों के नाम का जिक्र किया है। पहला लिब्रियम कैप्सूल, जो कि एंजाइटी और तेजी से शराब छुड़वाने के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा नेक्सिटो 10 mg टैबलेट, जिसका इस्तेमाल डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। तीसरा लोनाजिप टैबलेट, जिसे मिर्गी के दौरे, घबराहट और एंजाइटी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। बताते चले कि इससे पहले सुशांत की बड़ी बहन नीतू सिंह की उनकी मैनेजर श्रुति मोदी के बीच भी हुई बातचीत का ब्यौरा सामने आया था, जिसमें दोनों सुशांत की दवाइयों और प्रिस्क्रिप्शन को लेकर बात कर रहे थे। और अब ऐसे ही कुछ चैट सुशांत की बहन प्रियंका के साथ भी सामने आया है, जिसे देखकर तो यही लगता है कि सुशांत की बहनों को उनकी बीमारी के बारे में पता था। हालांकि इस बारे में उनके परिवार की ओर से फिलहाल किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि ये चैट सुशांत केस में हो रही जांच पर गलत प्रभाव डाल सकता है। बहरहाल सुशांत के परिवार से इस मामले पर क्या बयान आता है, ये देखना दिलचस्प होगा।